नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हार्मोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस स्केल पे रियाज करना चाहिए, कौन सा स्केल आपके लिए सही है रियाज के लिए। तो देखिए, स्केल एक बहुत ही महत्व रखता है संगीत में, क्योंकि स्केल पहले चीज़ समझाना चाहूँगा मैं आपको कि हर एक को भगवान की देन होती है अपना अपना गला है हर एक इंसान का, और उसको गाने के भी उसकी अपनी अपनी क्षमता है। ठीक है, तो कैसे हम कौन से स्केल पे रियाज करें कि जिससे हम अपना एक अच्छा स्केल बना सकते हैं, अच्छे स्केल पे पकड़ बना सकते हैं। तो इसके लिए स्केल जानना बहुत ज़रूरी है, स्केल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, संगीत में हर एक चीज़ एक स्केल में चलती है। कोई भी गाना ले लीजिए आप, कोई भी म्यूज़िक ले लीजिए, वो आपका एक स्केल में होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि वो पहले स्केल से उठ के दूसरे चेंज में हो रहा है, दूसरे तीसरे में स्केल में जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर एक फिक्स स्केल होता है। तो देखिए, शुरुआत के लिए रियाज के लिए जो स्केल माने गए हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, फिर आपको बताऊँगा आपको रियाज क्या करना स्केल पर। सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, जो आदमी लोगों का स्केल है वो है पहली काली, शुरुआती के लिए। जैसे मान के चलिए आपको कुछ भी नहीं पता, आपको बिल्कुल आप संगीत में आपको बिल्कुल नए हो, तो आप पहली काली से रियाज कर सकते हैं एक शुरुआती के लिए, शुरुआत के लिए। और जो फीमेल है, औरतों के लिए जो स्केल है ए शार्प, बिल्कुल सही स्केल है, आप ए शार्प पर रियाज कर सकती हैं। ठीक है, जेंट्स का स्केल पहली काली और फीमेल का एफ शार्प, ए शार्प यानी कि मंद्र सप्तक की पांचवी काली। ठीक है, पहली काली और पांचवी, पहली काली आदमी लोगों के लिए और पांचवी काली औरतों के लिए। और कुछ औरतें भी जो कर्नाटक साइड से हैं, जैसे कि आप जो कर्नाटक म्यूज़िक है उसमें पहली काली से औरतें भी पहली काली से ही, मैंने लगभग जो देखी हैं, पहली काली से गाती हैं। ठीक है, स्केल कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी स्केल रख सकते हैं रियाज के लिए, बट जो पर्टिकुलर फिक्स स्केल है आदमी के लिए पहली काली, औरत के लिए पाँचवीं काली। अभी बात आती है कि आपको रियाज करना क्या करना है। देखिए, रियाज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप पहले अपने आप को देखिए कि आप क्या किस चीज़ का रियाज करना चाहते हैं। आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं कि गायकी का रियाज करना चाहते हैं? तो देखिए, हारमोनियम का रियाज और गायकी का रियाज लगभग सेम ही है, बट थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। अंतर क्या है कि हारमोनियम अगर आप खाली बजा भी लोगे तो भी चल जाएगा, बट गायकी में आपको उसके साथ बोल बोल के गाना पड़ेगा। तो यही अंतर है गायकी और हारमोनियम में। ठीक है, हारमोनियम अगर आप खाली ऐसे, मान के चलिए मैं एक सरगम ले लेता हूँ, ये मैंने सरगम बजाई, हारमोनियम बजाने के लिए आप खाली इसको बजा के भी काम चला सकते हैं, बट गायकी में आपको इसके साथ बोलना पड़ेगा, सारे गामा पधनी सा, तो इसके साथ आपको बोल के करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी बात आती है रियाज क्या करना है। रियाज है आपको आपके अलंकार, जो आपके पलटे हैं, आपके जो 10 थाट हैं उनमें रियाज करना है। यानी कि आपने, जैसे मान के चले आपके पास 20 अलंकार है, आपको पहले वो 20 अलंकार अच्छे से करने के बाद फिर आप उसको थाट में करिए। जैसे पहले बिलावल थाट में करिए, फिर कल्याण में करिए, भैरव में करिए, तो टोटल 10 थाट में करिए, फिर उनको अलग अलग स्केल से ट्राई करिए। तो शुरुआत का रियाज ये रहता है। ये जो रियाज है दोनों के लिए सेम है, आदमी लोगों को पहली काली से करना और औरत को और उनको पाँचवीं काली से करना। अभी बात आती है कि सही स्केल कौन सा है। देखिए, मैं सही स्केल जो बताऊंगा, मेरे जो नज़र में जो सही स्केल आता है वो डी शार्प आता है। डी शार्प एक ऐसा स्केल है जो दोनों लोगों के लिए सूटेबल है। देखिए, गाना जब आपने देखा होगा, कुछ फिल्मी गीत देखे होंगे, कुछ गाने में आपने नोटिस किया होगा कि आदमी को थोड़ा नीचे पड़ रहा है या फिर औरत को थोड़ा ऊँचा पड़ रहा है, तो उसमें क्या है कि उनका जो स्केल का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसलिए जो मेरा मानना है, डी शार्प एक ऐसा स्केल है जो दोनों के लिए एक सूटेबल स्केल है। ठीक है, आदमी लोग के कारण क्या होता है कि आदमी लोग ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, और जो औरत है वो, उनका जो पिच है वो बहुत पतली होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ जो ऑटोमेटिकली भगवान की देन होती है कि वो थोड़ा ऊँचा आदमी से ज़्यादा गा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, आदमी का जो स्केल है एक स्केल या दो स्केल ऊपर रखते हैं ताकि वो उनकी आवाज़ के साथ मैच हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जो स्केल मैंने आपको बताया है कि डी शार्प एक ऐसा स्केल है कि जिससे अपन उनका और उसका कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डी शार्प स्केल पे रियाज होना बहुत ज़रूरी है। खाली पहली काली से काम नहीं चलना, क्योंकि पहली काली एक शुरुआती स्केल है, क्योंकि आपको पता नहीं है। बाद में आप अपना एक स्केल डिसाइड कर लीजिए, फिर आप पहली दूसरी काली कर लीजिए, तीसरी काली कर लीजिए, एक पर्टिकुलर स्केल फिक्स कर लीजिए। ठीक है,
फिर उस स्केल पे रियाज करिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी गले की रेंज भी बढ़ेगी, और क्योंकि देखिए औरत की आवाज़ तो बिल्कुल पहले ही पतली होती है और आदमी का जो गला होता है वो थोड़ा बेस वाला होता है, ठीक है। तो अगर वो नीचे ही रियाज करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपको ड्यूट करना तो आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेशन तभी हो पाएगा जब आप ऊंचे स्केल पे आपने रियाज किया और आपको ऊंचे स्केल की जानकारी है, थोड़ा आपको स्केल की नॉलेज है, तभी आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये आदमी लोगों के लिए, तो जो स्केल होना चाहिए दोनों का रियाज ज़्यादातर डी शार्प पे होना चाहिए। डी शार्प पे एक ऐसा स्केल है जिसपे दोनों एक कंफर्टेबल जोन पे बैठ सकते हैं, आदमी नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सा टू सा चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका रियाज होना चाहिए डी शार्प पे, बहुत अच्छा रियाज होना चाहिए। डी शार्प एक ऐसा स्केल है जो आपको बहुत हेल्प करता है गायकी में, और बजाने के लिए तो आप कोई भी स्केल चूज कर सकते हो, बट गायकी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है डी शार्प। डी शार्प आपका स्केल बहुत पक्का होना चाहिए। अब बात आती है डी शार्प को पक्का कैसे करें, तो पक्का एज इट इज जाओ, तो आप उनमें कुछ गाने गाइए। सबसे पहली चीज़ तो आप क्या करें, अपने अलंकार करिए, थाट करिए, फिर स्केल करिए, ठीक है। डी शार्प से सारे अलंकार बजे, फिर डी शार्प से सारे थाट बजाइए, डी शार्प से अपने कुछ बंदिशें करें, ताने करें, फिर उसके साथ आप कुछ गाने गाएं डी शार्प से। ऑटोमेटिकली आपका ये धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका स्केल ये बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आप कोई भी गाना अच्छे से गा सकते हैं। तो इसलिए जो मेरा इस वीडियो में बताने का जो मेन पर्पस है, आपका शुरुआती स्केल सी शार्प होता है, बट बाद में जाके जब आपको कुछ साल हो जाते हैं, जैसे आपने 1 साल 1.5 साल रियाज कर लिए, तो आप स्केल चेंज कर सकते हैं अपनी रेंज के हिसाब से। आप पहचानिए कि आपकी रेंज कहाँ पे है, आप पहचानिए कि आप कितना ऊंचा जा सकते हो और कितना नीचे आ सकते हो, आप उसी हिसाब से अपना एक पर्टिकुलर स्केल सेट करिए, ताकि आपको ना तो ज़्यादा ऊंचा गाने में दिक्कत हो, ना नीचे गाने की दिक्कत हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप एक पर्टिकुलर अपना स्केल सेलेक्ट करके उसके ऊपर रियाज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी स्केल के ऊपर, कि आप स्केल के ऊपर अच्छी पकड़ कैसे बना सकते हैं, स्केल के ऊपर अच्छा रियाज कैसे कर सकते हैं, और गायकी के लिए कौन सा स्केल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने सारा बता दिया कि इसमें क्या क्या फंडा होता है, ठीक। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, किसी भी तरीके की दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।